हेलो गाइस, दिस इज़ अलीटू सेमी एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल फिट सेमी। तो गाइस, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बादाम और मूंगफली। बादाम और मूंगफली के बीच में क्या अंतर है, क्या बॉडी बिल्डिंग में आपको कौन सा ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा, बादाम जो कि 800 रुपये किलो आता है या फिर मूँगफली जो कि आपको 200 या 300 रुपये किलो में इंडिया में आपको मिल जाएगी आराम से, तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, यही आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बादाम और मूंगफली के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है कि बादाम जो है वो आपको बहुत ही महंगा पड़ता है, जो कि 800 रुपये पर केजी के हिसाब से आता है, और मूंगफली जो कि आपको सिर्फ 200, 250 या 300 रुपये, मैक्सिमम 300 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मूंगफली मिल जाएगी। तो मूंगफली और बादाम में किन चीज़ों में यूज़ होता है? मूंगफली और बादाम में ड्राई फ्रूट्स हैं और ये आपके बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपके पोस्ट वर्कआउट अगर आप प्रोटीन शेक लेते हैं तो आपका ट्रेनर आपको एडवाइस करेगा कि आप कुछ पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक के साथ आप कुछ ना कुछ खा लें, ताकि आपका जो प्रोटीन है वो एनर्जी के रूप में यूटिलाइज ना होकर आपका जो प्रोटीन है वो आपको मसल बिल्डिंग में सिर्फ काम आए। बादाम और मूँगफली जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी मसल बिल्डिंग गोल्स को अचीव करने में। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो आपको ये आपके डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है वो मैं आपको चीप बॉडी बिल्डिंग सीरीज़ में बता रहा हूँ, CBS चीप बॉडी बिल्डिंग सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपको सबसे जो आपको सस्ते बॉडी बिल्डिंग कोर्स है, हाउ यू कैन अचीव योर बॉडी बिल्डिंग गोल्स एट अ वेरी लेस रेट, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने कैसे अपनी बॉडी कम से कम बजट में, मुश्किल से 4000 या 5000 प्रति महीने या फिर आप 150 रुपये प्रति दिन कह लो, इस बजट में मैंने अपनी बॉडी कैसे बनाई है, ये मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस और इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको डिटेल्स में समझ में आ सके कि असल में बादाम और मूँगफली के बीच में क्या अंतर है, और क्या सच में बादाम मूँगफली से ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव आते हैं, क्या सच में वो अच्छे हैं या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके बॉडी बिल्डिंग के जो प्राइमरी सोर्स हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आपको अच्छी फिजिक बनाने के लिए, अच्छी खासी बॉडी, अच्छी खासी मसल ग्रोथ करने के लिए आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का चार्ट डाल रहा हूँ। आप देखिए इसमें ये बादाम और मूंगफली में यहाँ पे आपको किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स। हालांकि पीनट्स में, मूंगफली में आपके आपका जो प्रोटीन कंटेंट है वो आलमंड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई है। आपके जो पीनट में जो प्रोटीन है वो आपको 7 ग्राम के हिसाब से मिलता है, और आपके जो आलमंड्स में है वो सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 ग्राम है, 6 ग्राम है। तो यहाँ पे प्रोटीन का थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन वो भी आपके पीनट्स में आपका प्रोटीन कंटेंट आलमंड्स के मुकाबले हाई है। और अब आगे अगर मैं बात करूँ कैलोरीज़ की, कैलोरीज़ में आपको बादाम में जो है वो थोड़े ज़्यादा कैलोरीज़ मिलेंगे, आपको अराउंड 177 कैलोरीज़ मिलेंगे बादाम में, और पीनट्स में अबाउट 150 कैलोरीज़ मिलेंगे, क्योंकि बादाम में जो है वो फैट कंटेंट पीनट्स से हाई रहेगा, इसलिए आपको जो कैलरीज आ रही हैं वो आपकी जो आ रही हैं वो फैट से आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में यहाँ पे बादाम मूंगफली से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बादाम में एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। मैं यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं नॉर्मल फिटनेस की बात कर रहा हूँ। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बादाम में है वो है विटामिन ई। विटामिन ई से जो आपके जो बादाम में विटामिन ई है वो लगभग आपके जो 50% ऑफ योर डेली रिकमेंडेड लेवल वो बादाम से ही पूरा हो जाता है, और मूंगफली में अराउंड 36% के आसपास आपका विटामिन ई है। बट डोंट गो गाइस, देयर इज़ अ कैच ओवर हियर, इस वीडियो को बंद ना करें, एक और कैच है यहाँ पे। बादाम में जो आपको विटामिन ई मिलेगा वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ बादाम का जो स्किन रहता है ऊपर, जो ब्राउन कलर की स्किन रहती है बादाम की, सिर्फ उसी में आपको विटामिन ई के कंटेंट्स 50% आपको डेली के मिल जाएंगे। काफ़ी सारे लोग इंडिया में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो लोग बादाम की जो स्किन है वो नहीं खाते, उसे आप सोख करके अगर आप
बादाम की जो स्किन है वो निकाल लेंगे तो उसके जो विटामिन ई कंटेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, वो एकदम ज़ीरो हो जाएंगे। तो गाइस इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बेकार में महंगे बादाम खरीद लो और अपने जो पैसे हैं वो इन चीज़ों में बर्बाद करो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सिर्फ और सिर्फ पीनट बटर से अपनी बॉडी काफ़ी अच्छी बना सकते हैं। मैंने आज तक कभी भी आलमंड बटर वगैरह यूज़ नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन कैसी है। तो अगर आपको ऐसी बॉडी बनानी है तो बस आप पीनट बटर से भी बना सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आलमंड्स की तरफ जाने की। आलमंड्स, बादाम या फिर कैजू बटर भी आता है, आपको इन चीज़ों की तरफ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस, आई रिक्वेस्ट यू। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है और मोटिवेशनल वीडियो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, इसी महीने आने वाली है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको उस वीडियो की, उस ट्रांसफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द बनाऊँगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को लाइक करना। चलिए बाय।